लास्ट वीडियो में हमने EasyNow सेल्स सीआरएम के बेनिफिट्स के बारे में देखा और EasyNow सेल्स सीआरएम का ओवरव्यू देखा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं माय डे के बारे में। माय डे मतलब आज का दिन, आज हम लोग क्या काम करने वाले हैं और एक सेल्स पर्सन का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने EasyNow सेल्स सीआरएम के बेनिफिट्स के बारे में देखा और EasyNow सेल्स सीआरएम का ओवरव्यू देखा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं माय डे के बारे में। माय डे मतलब आज का दिन, आज हम लोग क्या काम करने वाले हैं और एक सेल्स पर्सन का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देखे थे EasyNow सेल्स सीआरएम के पहले, बट मेन दिक्कत ये आती थी ना कि वहां पे बहुत सारे मेन्यूज, बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारी जगह होती थी जहां पे जाके मुझे ढूंढ ढूंढ के डेटा निकालना पड़ता था। उसमें क्या होता था, मेरा प्रोडक्टिव टाइम बहुत सारी चीजें ढूंढने में चला जाता था। और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि इतना सब ढूंढने से अच्छा अगर हम लोग सेल्स टीम को उनका डे प्लान करके दे दे तो उनके लिए बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा सेल्स पे फोकस करना और सेल्स करना। इसलिए EasyNow सेल्स सीआरएम ने हमने एक फीचर डेवलप किया है जिसको हम लोग बोलते हैं माय डे, मतलब मेरा दिन। हम लोग माय डे में ये सीआरएम हर एक डेटा एनालिसिस करके आपको लाके बता देता है आपको आज कितने फॉलोअप करने हैं, आपके कितने टास्क पेंडिंग है, आपका कितने मीटिंग्स है, कभी कौन से टाइम पे कौन सा मीटिंग करना है। प्लस वो आपको आज का रिपोर्ट भी दिखा देता है कि आज आपने कितने लीड्स कन्वर्ट किए, कितना पेमेंट रिसीव हुआ, कुछ चेकलिस्ट है जो आप मिस कर रहे हो। तो इन शॉर्ट ये जो माय डे रहेगा EasyNow के अंदर, ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि आप आज का दिन कैसे जीतेंगे। तो आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर माय डे दिखता कैसे है। तो अभी हम लोग देखेंगे माय डे। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के सामने दिखेगा माय डे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको आज के फॉलोअप दिखेंगे और आपके टास्क दिखेंगे। फॉलोअप आपके कितने करने बाकी है और कितने आपने कंप्लीट किए, टास्क कितने बाकी है और कितने कंप्लीट किए। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको वो अंदर से सारे फॉलोअप का लिस्ट मिल जाएगा और उनसे क्या बात हुई है, क्या बात करने। फॉर एग्जाम्पल, विल कन्फर्म विद पार्टनर, नीड टू गिव डेमो टू द पार्टनर एज वेल, ओके, तो मुझे ये फॉलोअप है आज। तो ऐसे फॉलोअप मुझे दिखते रहेंगे, जो मैं फॉलोअप कंप्लीट कर चुका हूँ उसका अकाउंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वैसे पेंडिंग टास्क होंगे और कंप्लीटेड टास्क होंगे। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो मुझे मेरे सारे पेंडिंग टास्क की लिस्ट यहाँ पे नजर आ जाएगी। वापस हम लोग जाते हैं माय डे के ऊपर। अभी ये है फीड। अभी ये फीड में सिस्टम से ऑटोमेटिकली टाइम वाइज सारी चीजें वो लेके आता है। वो बताता है कि मुझे फॉलोअप्स कितने करने हैं, मुझे मीटिंग्स कितनी। अभी ये मेरी मीटिंग है 2 बजे, अगर मुझे ये मीटिंग पे पहुंचना है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक मैप का आइकन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे वो ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे रिडायरेक्ट करेगा और उस लोकेशन पे मैं जहाँ पर भी अभी करंटली हूँ वहाँ से जाने के लिए नेविगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना लोकेशन यहाँ से पिक करता हूँ तो मुझे बताएगा कि मुझे वहाँ पे पहुँचने के लिए कितना समय लगने वाला है। अभी देखेंगे 23 मिनट से अगर ट्रैफिक नहीं है तो, और मैं वहाँ पे जाने के लिए मुझे कितना देर पहले निकलना है। तो ये अपने को गूगल मैप से वहाँ तक पहुँचाएगा। अभी यहाँ पे मुझे अगर कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, समझो मुझे थोड़ा लेट हो रहा है या फिर उन्होंने कुछ आइडियली कुछ बात करनी है, तो मैं यहाँ से उनको फ़ोन करके कॉल कर सकता हूँ। ये डायरेक्टली उनको फ़ोन लग जाएगा। और अगर मैं ये व्हाट्सअप आइकन पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मैं उनसे व्हाट्सअप कर सकता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं मीटिंग के अंदर क्या होता है। मीटिंग के अंदर आप देखेंगे मीटिंग का स्टेटस पेंडिंग है, मेरा 2 बजे का मीटिंग है, क्लोजिंग मीटिंग है। तो ये पूरा मीटिंग मुझे दिख रहा है। जैसे ये मीटिंग कंप्लीट हो जाता है मेरा, मैं इसको कंप्लीट करूँगा, सिस्टम पूछेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या था। मैंने पूछा क्लाइंट लाइक द डेमो ही वांट्स टू गो अहेड, समझो हम लोग ऐसा कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग डाल दे। मतलब आप बेसिकली मिनट्स ऑफ मीटिंग में उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या पॉइंट्स उसने रेज किए, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो आप वहाँ पे नोट करके रख देंगे तो बेसिकली आपको हेल्प होगी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब भी आप उसको रिकॉल कर रहे हैं कि ये मीटिंग में अपनी क्या बात हुई थी, क्या की पॉइंट्स थे, तो वो आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे पेंडिंग चेक टास्क की चेकलिस्ट आ जाएगी और ये यहाँ पे सेल्स समरी। मैं ये वीडियो को थोड़ा घुमाता हूँ, ये है सेल्स समरी। तो आपने कितना लीड क्रिएट किया आज में, आज कितने कोटेशन क्रिएट हुए, आज कितना इनवॉइस क्रिएट हुआ आपके नाम पे और कितना पेमेंट रिसीव हुआ आपके सेल्स का।
तो टोटली आपको ये पूरा माय डे का फिगर दिख जाएगा। तो बेसिकली माय डे आपको हेल्प करता है आपका दिन प्लान करने के लिए और वैसे एक्शंस लेने के लिए। आई होप माय डे फीचर आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स का सबसे फेवरेट फीचर माय डे है, बिकॉज उनको और कहीं जाना ही नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे देख के वो उनका दिन डिसाइड कर सकते हैं और काम पे लग सकते हैं।